हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मोमोज की चटनी। और ये चटनी बड़ी ही निराली है क्योंकि ये मोमोज के साथ साथ डोसा, पराठा, उत्पम, रोटी हर एक के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो किसका वेट करें, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मोमोज की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 टमाटर। इनकी मैंने आई निकाल दी और इसमें कट लगा दिए। साथ ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही 2 सूखी लाल मिर्च इसे कलर देने के लिए। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। और 5 मिनट हो गए हैं, ये रेडी है पील करने के लिए। मैंने इसे पील करके ब्लेंडर में डाल लिया है। अब हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। और प्यूरी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी ताकि इसके सीड्स सेपरेट हो जाएं। आप भी ऐसी किसी आटे की छानी को यूज कर सकते हैं इसे स्ट्रेन करने के लिए। हम करछी की मदद से सीड्स और पल्प को सेपरेट कर लेंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं पल्प और सीड सेपरेट हो गए। अब हम चलते हैं चटनी बनाने की तरफ। हमारा पैन हीट अप हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून ग्रेटेड या फिर चॉप गार्लिक। और 1 ही टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी जिंजर। और अब हम इसे सौते कर लेते हैं। जिंजर और गार्लिक को आपको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करी है जो कि कलर अच्छा देती है बट ज़्यादा तीखी नहीं होती, क्योंकि हमारी सूखी लाल मिर्च ऑलरेडी बहुत तीखी थी। तो आप भी इसी मिर्ची का इस्तेमाल करें। और अब हम इसे 2 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अपनी टमाटो प्यूरी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अब हम इसे 5-10 मिनट्स कुक होने देंगे। और चटनी हमारी कुक हो चुकी है। और देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है इसकी और कलर भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून शुगर और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून विनेगर। विनेगर डालने से इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब मैं इसे 2-3 मिनट ऐसे कंटिन्यूसली चलाते हुए कुक करूंगी और फिर अपने बोल में ट्रांसफ़र कर लूंगी। और चटनी हमारी बोल में ट्रांसफ़र हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको ये बहुत अच्छी लगेगी। बट अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें स्पाइसीनेस को आप थोड़ा कम रख सकते हैं। आप इसे हमेशा बनाकर रख सकते हैं और फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आई होप आप सबको ये रेसिपी काफ़ी पसंद आई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए।